इस सरकार को जो मुझे डर लग रहा है, और ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ यहाँ, और फिर मुझे ये भी शंका है कि इसको उछाल के लोग और विवाद खड़ा न करें, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि सरकार अभी नई है, इसको थोड़ा समय दें। सरकार और नौकरशाही दो मिलके शासन चला, क्योंकि नौकरशाह हैं वो बड़े खाए पिए धाए सोचे समझे, वो सरकार की छाती पे सवार है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो 2.5-3 महीने में सरकार चल रही है वो हमारे नेता लोग चला तो रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वो पुराने अफसर चला रहे हैं। तो इसका मतलब अभी मोदी सरकार पर नौकरशाही हावी है, और इस नौकरशाही की जो ध्वस है उसको खत्म करने में भी सरकार को थोड़ा। ये कहा कि ये सरकार हिंदी के प्रति बहुत ही प्रतिश्रुत है, वो हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। नहीं, मैं तो ऐसा, आप जो हिंदी में भाषण दिए हैं और आप सरकार में आ गए, उसी हिंदी को आप अगर, और बात सिर्फ हिंदी की नहीं है। देखो, एक दो बातों में अंतर करो, एक तो हिंदी में भाषण देना जानबूझकर, आपको 10 विदेशी भाषाएं आती हैं, 10 भारतीय भाषाएं आती हैं, फिर भी आप हिंदी में, आप हिंदी में बोलते, तो आप एक तो ये बात, और एक ये होती है कि आती नहीं, कि आप विदेशी भाषा बोली नहीं सकते, आप देना भी चाहे तो नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या करते हैं कि विदेशी भाषाओं की अवधारणाएं बोलते हैं कि मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। आप मोदी पे तंज कर रहे हैं। ये बताओ कि मेड इन, ये बहुत दिलचस्प बात है, कली मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, भारत के 125 करोड़ में से कितने करोड़ लोग मेक इन इंडिया शब्द को समझ सकते हैं, ये बताओ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को चूंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती इसलिए वो हिंदी में बोलते हैं, ये आप निष्कर्ष निकाल। मैं तो आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाह रहा हूँ, जो आभास मुझे आपकी बात से हुआ, तर्क मैंने दिया, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप।